बेकार बेरोजगार नौजवान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, कई तरह की एक गांव में 50-25 जाति रहती है, 50 रहती है। सहकार से हम लोग जीते, अकेले धर्म का मामला नहीं, हम लोग सहकार से जीते। और आज परिस्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोले हैं क्या आस्था के नाम पर हिंसा नहीं बर्दाश्त करना। यकीनन मैं उनकी बात को तायद करता हूं, लेकिन जो सरकारें हैं, जो उनकी सरकारें हैं, जो विरोधियों की सरकारें हैं, प्रधानमंत्री जो है इस देश में अंतिम संस्था है, इससे आगे कोई संस्था नहीं है, इससे आगे परमात्मा है। उनके बोलने का जमीन पर जाना चाहिए, वो भी प्रयास करें। और मैं इस वजह से कहना चाहता हूं कि इसमें अभी तो हजारों लोग आए, देश भर से, किसी से मैंने नहीं कहा है, किसी को नहीं बोला कि जो कह रहे हैं वो अपनी भी सरकार में सकते हैं। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद कोई सरकार हो, उनकी सरकार हो तो ज्यादा उनके हाथ में ताकत है, सामर्थ्य है। दूसरी भी सरकार है, उनके बोलने को नहीं टाल सकते। और यकीन के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये सम्मेलन यहां से कहता है कि आप ये काम करोगे आस्था के नाम पर, किसी तरह का भी इंसान के साथ भेदभाव होगा सीट के नाम चल लेंगे तो हम सब लोग जो सम्मेलन बैठे हैं जाकर के संपूर्ण देश में जो लोग भी हिंसा करना चाहते हैं आस्था के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर, गोबर और गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, उन सारे लोगों को ये सम्मेलन भी या एक एक आदमी आया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसी कीमत पर धर्म और मजहब और जात के नाम पर किसी की जब पर कोई हाथ उठाए तो उस हाथ को थामना है, उस हाथ को रोकना है अपनी पूरी ताकत लगाकर। यही हमारे पुरखों ने किया। जिस दिन हैदर साहब की आजादी हो रही थी उस दिन महात्मा जी कलकत्ता में थे। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ये आज का सम्मेलन सिर्फ साझा विरासत संविधान का प्रियम्बल इसको ही देकर के यहाँ बनाया गया है। और मैं इन्हीं बातों के साथ अब जो वक्त आ गए इसलिए समय नहीं देता, मैं संक्षेप में आपको बता दिया हूं कि इसका सीधा दिशा, इसका राह, इसका रास्ता और देश में हम जो संविधान में लिखा है उसे यहां से अपने दिल और दिमाग में और पूरी ताकत से संबोध करके हिंदुस्तान के गांव गांव देहात देहात गांव शहर दुकान बाजार सब में एक एक आदमी को बताने का काम करेंगे कि संविधान का जो दायरा है, संविधान है वही हमारा जिंदा लोगों का, वही जिंदा समाज का, 125 करोड़ लोगों का, वही गीता। और यदि धर्म का गीता रामायण है, कुरान है, तो हिंदुस्तान का संविधान भी जिंदा लोगों को 125 करोड़ लोगों का ये भी उतना ही बड़ा महत्व रखता है जितना धर्म के नाम पर उनका रखता है। इसलिए जिंदा लोगों के लिए ये भी गीता और कुरान और भाई बहन है।